पुरानी नहर? हाँ बीजी, मैंने अपने कानों से सुना है। बीजी, अब तो आप मेरे लिए भी इन्हीं सोनी ड्रेस लाएंगी ना? नहीं, ले पकड़। ए अब तेरा, जा तू सलवाला है। मुझसे तो कहा था गुरुद्वारे और पीर बाबा के मजार जा रही हूं। गोलू सिंह, आज से तू खाना बनाए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। अगर कोई कुछ मांगे तो क्या बोलेगा? अबे ओए, चल फूट ले। शाबाश बनिक्के, आज से तू मेरे हाथ पांव दबाएगा, मेरे कपड़े धोएगा, इस्त्री करवाए, कुर्ता पजामा शेरवानी चड्डी बनियान सब अब तेरी जिम्मेवारी। अगर कोई तुझसे कुछ करने को बोलेगा तो क्या कहेगा तू? बाकी कोई कुछ कहेगा तो कहूंगा चल फुट ले। हाँ, और तुम दोनों इनका ध्यान रखना, इन्हें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, समझे ना? क्या है, दुनिया जो है वो पैसों से चलती है, जो है मेरे पास। चलो देखता हूं कब तक तुम्हारी ये बगावत टिकती है मेरे सामने बिना पैसों के। स्वरूप, तेरे वीरजी तो सही कह रहे हैं, हमारे पास जितने पैसे थे वो सब तो खत्म होने आ रहे हैं। ये सब करने का जो मकसद था कि तेरे वीरजी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उनका दिल पिघल जाए, वो सब तो होते दिख नहीं रहा। हम सब कब तक इस तरह? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बहुत ही मोटी चमड़ी है इसकी, ये ऐसे नहीं मानने वाला। कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत करो, हम कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन पापा जी के सामने आप नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये एक तरीका है उनको सबक सिखाने का। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था, पर अब सब खत्म हो गया। सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो मां बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई।
चल यहां से। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।